नमस्कार दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था राजमेट शेयर के बारे में बताने के लिए, तो आज उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी इस तरीके से कोई भी स्टॉक हो जिसका वीडियो आप देखना चाहते हैं, एनालिसिस वीडियो, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो उस पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे राजमेट की, तो हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को लगाया और कंटिन्यूसली अगर हम देखेंगे इसके चार्ट को, तो अभी क्या हो रहा है ना, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि स्टॉक बार बार अपना जो ट्रेड लाइन है उसी को रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ पर नीचे की साइड में आ रहा है, और अपने जो सपोर्ट लेवल था, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक डाउन करता हमें दिखाई दे रहा है, क्लियरली देख सकते हो आप। ठीक है, अब इसका अगला सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि 8.84 का। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस जो कैंडल था, यानी कि चार कैंडल को छोड़ दे, ये वाला कैंडल को अगर फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा एक बाइंग का मोमेंट हमें दिखाई दे रहा है, एक नीचे की साइड में के शैडो आपको नज़र आ रहा है जो कि एक बाइंग का सिग्नल हमें प्रेजेंट कर रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पे 10.73 का एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक बात अगर और बताऊँ तो ये एक सपोर्ट एरिया है, मैक्सिमम टाइम होता है क्या ना, स्टॉक अपना सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो सपोर्ट एरिया यहाँ तक भी है, ठीक है, देख सकते हो 8.16 तक भी है, तो ये अपना सपोर्ट एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है, तो जब तक स्टॉक अपना ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आपको यहाँ पर तेजी का मोमेंट नहीं दिख सकता, लेकिन जब ब्रेकआउट करेगा साथ साथ अपने प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तो स्टॉक में डेफिनेटली तेजी का मोमेंट आने का संभावना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लेवल्स था हमने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया, सभी कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी अगर मन में डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, आपकी छोटी सी लाइक मुझे इंकरेज करती है और भी अच्छे से स्टॉक को सिलेक्ट करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। धन्यवाद।